पिछले 2-3 दिन से इतनी सर्दी थी और रात के टाइम एकदम हो जाती है जबरदस्त वाली ठंड, लेकिन दिन में पसीना आ रहा है। देख रहे हो कैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो इस बात पे तबीयत तो खराब होना बनता ही है। तभी मुझे लग गया कोल्ड और हो गया कफ, जिसकी वजह से ना रात में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नाक हो जाती है बंद। अब क्या कर सकते हैं, अगर ये खूबसूरत नज़ारे इंजॉय करने हैं, ये नेचर को इंजॉय करना है, तो इन चीज़ों को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ही। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे राइडिंग विद पीस में। तो भैया अपना सारा सामान मैंने सेट कर दिया और फ्रेश होके सीधा मैं अपना ब्रेकफास्ट कुक करके यहाँ ले आया। वैसे तो मैंने बोला था कि आउटडोर में कुछ कुक करेंगे, लेकिन यार अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो उस वजह से मैंने वो प्लान पोस्टपोन कर दिया, नाइट का कर दिया। तो आज रात में हम लोग वो करने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट कुक करके मैं सीधा आ गया रिवर साइड और बहुत ही ज़्यादा शांति है इधर। जंगल भी देखो, मतलब एक भी पत्ता ना दूर से हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत है माहौल। और ये बहता हुआ पानी बहुत ज्यादा, जो इसकी फ्लो की आवाज आ रही है ना, ओहो लाइक अ मेडिटेशन। और यहाँ पे ना मैं बहुत देर से इस वाटर को देख रहा था कि अंदर से इस तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे रेत देखो कैसे बार बार ऊपर आ रही है, कुछ रेत नीचे चली जाती है, तो इस तरीके से ये खट्टा हो रहा है। मतलब ये चीज देख के ना बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। काफी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे हुए। जो ये जंगल और जो ये चीज़ें जितनी शांत दिखती है ना रात में, ये उतनी भयानक होती है। जैसे कि आपने हमारी हिमाचल प्रदेश वाली सीरीज में देखा होगा, जब मैं ऊपर की तरफ गया था और वहाँ पे भालू का जैसे हमने देखा और जो आवाज़ें आ रही थी, भाई साहब मतलब अभी जितना ये खूबसूरत दिख रहा है रात में उतना ही भयानक होता है। लेकिन बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। कैंपर वैन अपनी उस तरफ खड़ी है वहाँ ऊपर की तरफ और अपन इधर नीचे आ गए।
काम करते करते लेट हो गया, रात हो गई। सोचा था कि आज लंच में मैं ये कुक करूँगा, बट वो सारा मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि सामान बहुत फैल गया था। उसको समेटने में, सेट करने में बहुत टाइम निकल गया। और फिर यार अपन ना पूरी रात जगे रहे कि एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करते करते पूरी रात जगे रहे और फिर हेडेक शुरू हो गया था। तो दिन में मैंने चिल मारा, आराम किया, रिलैक्स किया, जो वो बोलते हैं ना अपना वाला टाइम, वो इन्जॉय किया। फिर अब शाम हो गई है आपको और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है, ठंड भरा माहौल है, तो क्यों ना कुछ बढ़िया ज़बरदस्त कुक किया जाए। तो दिस इज़ अवर न्यू गैस स्टोव और आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल के चीले। ये बहुत मन था मेरा इस बार कुक करने का, तो अपन दाल लेके आए थे, उसको कल रात को भिगो दिया और अब पेस्ट बना लिया। अब करते ना बढ़िया से कुकिंग और इन्जॉय लेते हैं ये चारों तरफ वेदर का और रिवर की आवाज़ का। एक नंबर यार, एक नंबर, मज़ा आ रहा है। तो फटाफट करते हैं कुक। हवा इतनी तेज़ चलने लग गई है और ठंडा एकदम से बढ़ गया है कि अपना तवा भी गर्म नहीं हो पा रहा है, इतना ठंड बढ़ गया है। और जितने भी मैंने बना लिए, मतलब ये मैंने लास्ट शॉट लिया है, जितने भी मैंने बना लिए वो सारे ठंडे हो चुके हैं। तो फटाफट इसको बनाते हैं फिर खाते हैं। और एक चीज़ और है, मैं ये सेटअप रात में पैक कर दूंगा क्योंकि कल मुझे कहीं और मूव ऑन होना है। ये सेटअप अभी रात में पैक करके अपन गाड़ी के अंदर सोएंगे और सुबह फिर यार धूप हो जाती है ना तो बहुत तेज़ चुभती है, तो वो धूप के अंदर काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ भी रात में इसको पैक करके अपना गाड़ी के अंदर सोएंगे, फिर कल मूव ऑन करेंगे दूसरी जगह पर। सो भैया काम करते करते ना इतना थक गए कि हालत खराब हो गई और ऊपर से आज जो ये मूंग दाल के हमने चीले बनाए, ये थोड़ी दर्दरी अपनी दाल पिसी थी तो उसको ना प्रॉपर एक लेयर बनने में टाइम लगता है और जब उसको पलटते तो फटाफट टूट जाते हैं। इसके लिए बिल्कुल बारीक पिसी हुई होती तो बहुत आसानी से चीला बन जाता, लेकिन फिर भी अपन ने बना लिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डायमेंशन हो गई है लेकिन बन गया है। और अभी जो रात के बज रहे हैं 8:22 हो रहे हैं और अब बना के हम लोग निपटे हैं। तो आज का डिनर यही करते हैं, सोचा था कि ये हमारा लंच होगा लेकिन लंच से सीधा अपना डिनर में कन्वर्ट हो गया। साथ में है मिंट की चटनी, एक नंबर। मतलब जो दरदरी पिसी है ना दाल, वो बहुत अच्छा टेस्ट दे रही है, दांतों के नीचे ना बिल्कुल बढ़िया स्वाद आ रहा है। बाकी ये है अपना कैंप। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैंपिंग पसंद आई होगी और काफ़ी सारे कमेंट भी पड़े थे मेरे फर्स्ट वीडियो के, तो बहुत लोगों ने बोला कि ये आगे और भी देखने को मिले। तो अभी तो ये शुरुआत है, ऐसी कैंपिंग में हम लोग आपको पता ही है कि अब धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके की इसी टाइप की कैंपिंग करेंगे। अब एक काम करता हूँ, मैं अपना डिनर सेट करता हूँ और ये सारा सामान पैक करता हूँ क्योंकि उसको पैक करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगने वाला है मुझे, क्योंकि मैं सुबह के लिए वैसा नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा मेरे को मेहनत करनी पड़े। तो इसको पैक करते हैं, देन फिर आपको सीधा मिलता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि अभी एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है। ओह
ओके तो रात को मैंने ना यहाँ पे सारा सेटअप पैक कर दिया था, और पैक करते करते काफ़ी लेट हो गया था, रात के 10:30 हो गए थे। और फिर उसके बाद मैं सो गया, बहुत थक गया था पैक करते हुए, क्योंकि सामान आपको पता है बहुत सारा था और बड़ा टेंट एक अकेला बंदा पैक कर रहा था, आप समझ ही सकते हो छोटे टेंट लगाने में हालत ख़राब होती है। वो तो फिर भी काफ़ी बड़ा टेंट था, क्यों सोचो अकेले लगाना, अकेले उसे हटाना कितना टाइम लगा होगा। उसके बाद अपन सीधा सो गए, एडिटिंग करना था, एडिटिंग ही नहीं की क्योंकि थक गया था। फिर सुबह उठ के एडिट किया, अपलोड किया, और अभी बज रहे हैं 3। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ या नहीं, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, और फिर उसका जो दूसरी लोकेशन है वो है लगभग 90 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर का मतलब है 3 घंटे की ड्राइव जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ, शायद 3.5-4 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि व्लॉग शूट कर रहे हैं, ड्रोन भी उड़ाना है। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि यहाँ से आगे जाऊँ या फिर आज मैं यहीं गाड़ी में रुक जाऊँ, जो व्लॉग पेंडिंग पड़ा है उसको एडिट करके अपलोड करके कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँ। तो अभी मेरा सारा सेटअप अभी लगा हुआ है, कैंपर वैन पूरी सेट है, बस ये चार्जिंग वगैरह करनी है, तो अभी देख रहा हूँ। तो इस व्लॉग को फिर यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़े टेंट वाली कैंपिंग पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताना, कंटिन्यू करेंगे और आपको दोबारा से एक और अच्छी बड़ी कैंपिंग दिखाएंगे कुछ डिफरेंट स्टाइल में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इस व्लॉग को, इस जगह को यहीं बाय बाय करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, शायद यहीं से शुरू हो या बीच रोड से शुरू हो, वो आपको अगले व्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे के साथ अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।